So hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Pharma. So आज हम start करने जा रहे हैं new topic जिसका नाम है Anti-histaminic Agents, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे histamine को रोकने के लिए कौन कौन से agents यूज होते हैं, drugs कौन कौन से यूज होते हैं. So let's start the video. So आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए. So let's start. एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जो हमारा एंटी वर्ड है. एंटी वर्ड आपको पता है कि हमारा किस लिए यूज होता है. एंटी वर्ड जो हमारा यूज होता है वो होता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट होता है. और हिस्टामिनिक मीन्स होता है हिस्टामिन, इसका मतलब पूरा हुआ मतलब हिस्टामिन के अगेंस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एंटी हिस्टामिनिक हमारे कौन से होते हैं. एंटी हिस्टामिनिक आर दोस एजेंट्स और ड्रग्स विच आर इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन. तो इस लाइन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स वो एजेंट्स और ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, हिस्टामिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं. सो अब हम पढ़ते हैं, आपने देखा है यहाँ पे हिस्टामिन. तो हम देखते हैं हिस्टामिन होता क्या है हमारा. सो हिस्टामिन के बारे में पढ़ते हैं. सो हिस्टामिन क्या होता है हमारा. इट इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी and it comes under the class of autoimmunes. Okay, under the class of autoimmunes. So यहाँ पे आपने देखा कि हिस्टामिन हमारा क्या है, कि एक हिस्टामिन हमारे केमिकल सब्सटेंस है जो क्या है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और जो किसकी क्लास के अंदर आता है, हमारा ऑटोकॉइड के अंदर. सो यहाँ पे एक नई टर्म निकल के आई है ऑटोकॉइड. सो हम यहाँ पे ये देखते हैं ऑटोकॉइड हमारे होते क्या है. सबसे पहले हम ऑटोकॉइड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ये हमारा ऑटोकॉइड्स. सो ऑटो और कॉइड्स को हम डिवाइड कर लेंगे. जब ऑटो को अलग कर दिया और कॉइड्स, ऑटो मीन्स देखेंगे आप तो सेल्फ होता है और कॉइड्स मीन्स होता है हीलिंग मीन्स रिपेयर. तो इसका टोटल मीनिंग हो गया हमारा सेल्फ हीलिंग, मतलब खुद को रिपेयर करना. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड्स. अब हमारा ऑटोकॉइड्स होता क्या है. सो ऑटोकॉइड्स स्टार्ट करते हैं. ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे लोकल हॉर्मोन्स होते हैं. दीज आर लोकल हॉर्मोन्स विच रिलीजेस फ्रॉम टिश्यू एंड एक्ट एट अ साइट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज. सो इससे हमारा क्या पता चलता है कि ऑटोकॉइड्स जो है हमारे लोकल हॉर्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, टिश्यू से रिलीज होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर लोकल हॉर्मोन्स जो हमारे कहाँ से, विच रिलीज फ्रॉम टिश्यूज और कहाँ पे कौन सी साइड पे एक्ट करते हैं, जहाँ पे हिस्टामिन की सिंथेसिस होती है और रिलीज होता है. तो यहाँ पे हमारा ऑटोकॉइड्स आता है. अब हम थोड़ा पढ़ते हैं हिस्टामिन के बारे में. अब हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा हिस्टामिन के बारे में. अब हम देखते हैं हिस्टामिन हमारा बना कैसे नाउ. तो हिस्टामिन जो हमारा एक वर्ड है, तो हम देखते हैं हिस्टामिन हमारा जब हम इसको डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, तो एक तरफ आएगा हिस्ट, दूसरी तरफ आएगा अमीन. तो आपको हिस्ट समझना पड़ेगा, हिस्ट का मतलब क्या होता है. हिस्ट हमारा कहते हैं टिश्यू को और अमीन आपको पता ही है, अमीन से आपको समझ में आता है अमीनो ग्रुप. तो यहाँ पे हमारा हिस्टामिन बन के निकल के आता है कि हिस्टामिन जो हमारा बना है वो किस किस से बना है, टिश्यू से और अमीनो ग्रुप से. सो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ते हुए हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर. सो मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन. अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ. स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको. सबसे पहले लेना है यहाँ पे एन,
उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लगा देना है एन एच, यहाँ पे तो जब ये सारा कुछ बन जाएगा तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा जब आप यहाँ पे लेके जाओगे ऐसे बना आपका, तो यहाँ पे सी एच आएगा और यहाँ पे आपका आ गया अमीनो ग्रुप एन एच टू। तो जब एन एच टू आया तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड लग गया। तो अब हम देखते हैं, हम इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कहाँ पे कौन से ग्रुप लगे। अब हम इस स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद क्या करेगा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आती हैं हमारे पास इसमें मॉइटीज। ये जो हमारे पास ये वाला है, ये वाली जो रिंग है, इसको कहेंगे हम इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। और ये जो है हमारा जो कनेक्टेड है, कौन सी, इमिडाजोल रिंग और अमीनो अमीन ग्रुप, तो हमारा है इथाइलिन ब्रिज, इथाइलिन ब्रिज। और ये आपको दिख रहा है, ये हमारा है अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप। सो अगर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, ये हमारा बेसिक का सारा एंटीहिस्टामिनिक के बारे में, हिस्टामिन हो गया, ऑटोकोलिन हो गया, आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट शेयर में कमेंट में बताइए कमेंट सेक्शन में। सो अब हम इसके आगे का स्टार्ट करते हैं। आपको एक मिनट दे रहा हूँ, अगर आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना है तो आपको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बायोसिंथेसिस आती है हमारी, स्टोरेज, रिलीज एंड कैटाबॉलिज्म। सो ये हम चार चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। सो ये चार चीज़ें पढ़ने में अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा बायोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ हिस्टामाइन। तो सिंथेसिस ऑफ हिस्टामाइन आपको मैं सबसे आसान तरीके से समझाऊंगा। तो इसमें आप जब देखोगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आएगा एन एच टू, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल। सो हमारा इससे भी एक स्ट्रक्चर बनेगा दूसरा जो है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हमारा है हिस्टिडीन और यहाँ पे हमारा, अब हमारा किसके हेल्प से बनेगा, ये हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जिसकी मदद से हमारा क्या बनेगा, हिस्टिडीन। सो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे पहुँच गए थे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा सी एच टू, सी एच टू एन एच टू। सो ये हमारा क्या बना है, हिस्टामिन। अगर आप इसको थ्योरी में कन्वर्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं, हिस्टामिन इज सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ हिस्टिडीन, हिस्टामिन इज सिंथेसाइज बाय हिस्टिडीन विद द हेल्प ऑफ हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। तो ये एक हमारा एंजाइम है, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोरेज। तो स्टोरेज का सबसे पहला पॉइंट आता है, जो हमारा हिस्टामिन होता है, हमारा हिस्टामिन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, हिस्टामिन मोस्टली फाउंड इन मास्ट सेल और बेसोफिल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मास्ट सेल और बेसोफिल्स है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ, मास्ट सेल और बेसोफिल्स जो है हमारे डब्ल्यूबीसी के टाइप है। तो जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, बोथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स आर द टाइप ऑफ WBCs and are part of immune
सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके बाद जो आता है इट ऑल्सो स्टोर्ड इन एंटेरो क्रोमैटिन लाइक सेल। एंटेरो क्रोमैटिन लाइक सेल एंड अ वैरायटी ऑफ न्यूरॉन्स। सो इस पॉइंट में मैं बताता हूँ जो हमारा ये है जो हमारा हिस्टामिन स्टोर होता है वो किस में होता है, एंटेरो क्रोमैटिन लाइक सेल है जो हमारा किसकी वैरायटी है, न्यूरॉन की। तो यहाँ पे न्यूरॉन की एक वैरायटी है जिसका नाम है एंटेरो क्रोमैटिन लाइक सेल, ये हमारा सेल होता है जो न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। सो हमारा इसका लास्ट पॉइंट आता है इट्स कंसंट्रेशन इज ऑल्सो फाउंड हाई इन द मैमेलियन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो हमारे स्टेम की कंसंट्रेशन होती है वो ऑल्सो फाउंड होती है हाई किसमें, मैमेलियन के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अपना रिलीज और कैटाबॉलिज्म, रह गए हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए। सो इसके आगे तो स्टार्ट करते हैं। सो हम आगे तो पढ़ते हैं रिलीज। सो हम पढ़ते हैं रिलीज अपना, तो अब नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं, हमने बायोसिंथेसिस भी पढ़ लिए, बायोसिंथेसिस हमारी होगी स्टोरेज हो गया, अब हमारा आता है रिलीज। सो हम रिलीज पढ़ते हैं कि हमारा हिस्टामिन रिलीज होता कहाँ से। तो हिस्टामिन जो हमारा रिलीज होता है सबसे पहले आता है हमारा एंटीजन प्लस एंटीजन के साथ हमारा क्या आता है एंटीबॉडी। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कंबाइन होगी तो ये क्या करेंगी, एक्टिवेट कर देंगी किसको, प्रोटीन काइनेज को, जो कि एक एंजाइम है, एंजाइम है। सो हम देखते हैं जो प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होगा तो ये हमारा क्या करेगा, थोड़ा लंबा है हमारे प्रोटीन काइनेज जब एक्टिवेट होगा तो हमारा ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, एक्टिवेशन कर देगा फॉस्फोलाइपेज सी की, किसकी मदद से, सबसे पहले हम देखते हैं किसी मदद से क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड इनोसिटोल फॉस्फेट। तो जब ये इसकी वजह से एक्टिवेट, जब हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी मिलकर एक्टिव कर देंगे किसको, प्रोटीन काइनेज के एंजाइम को, तो वो एक्टिवेशन करेंगे किसकी, फॉस्फोलाइपेज सी की, किसकी मदद से, फॉस्फोलाइपेज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और इनोसिटोल फॉस्फेट की मदद से। जो जब एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी हो जाएगा ये क्या करेगा, हमारे कैल्शियम को ट्रिगर कर देगा, मतलब बिखेर देगा। तो उसके बाद जो क्या करेंगे, जो हमारे कैल्शियम आयंस कैल्शियम है वो हमारे ग्रेन्यूल्स के साथ इधर उधर घूमेंगे, मतलब फ्यूज करेंगे, फ्यूजन भी होगा, ग्रेन्यूल फ्यूजन, तो ये सब कुछ होगा। बाकी ये आपको होगा रिलीज। तो अब हमारा लास्ट रहता है कैटाबॉलिज्म, तो हम कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। कैटाबॉलिज्म हमारा होता कैसा है, तो हम इसको पॉइंट के उसमें पढ़ते हैं कि हम हिस्टामिन का हिस्टामिन को कैटाबोलाइज कैसे करते हैं। तो हिस्टामिन को कैटाबोलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है हिस्टामिन इनएक्टिवेट बाय मैनी रिएक्शंस और एंजाइम्स विच changes the structure of histamine। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा हिस्टामिन है वो हम इनएक्टिवेट कैसे करेंगे, हिस्टामिन इनएक्टिवेट
किसकी मदद से? बाय मैनी रिएक्शंस और एंजाइम्स। एंजाइम्स और रिएक्शंस की मदद से हम स्टूडेंट को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, क्या करके? जो हमारे ही रिएक्शंस और एंजाइम्स हम कराएंगे, ये क्या करेंगे, हमारे हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे। सो चेंज होने के बाद क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा। हिस्टामिन डज नॉट बाइंड विथ द रिसेप्टर ड्यू टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर एंड डज नॉट गिव देयर एक्शन। सो ये पॉइंट आपको यहाँ क्लियर होगा कि हिस्टामिन जो क्या करेगा, जब उसका स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो क्या करेगा, वो बाइंड नहीं कर पाएगा रिसेप्टर के साथ, और उसकी स्ट्रक्चर में जब चेंज आएगा तो वो अपना एक्शन भी शो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से आपकी बायोसिंथेसिस भी मैंने करा दी, स्टोरेज, रिलीज और कैटाबोलिज्म चारों ऑप्शन हो चुके हैं। सो अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स के बारे में अगर आप हमें बताऊँगा सारा कुछ तो आप वीडियो में बने रहिए। तो हिस्टामिन रिसेप्टर क्या होते हैं? देयर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, मतलब हमारे पास मेनली चार तरह के रिसेप्टर होते हैं, वेयर हिस्टामिन बाइंड्स, जहाँ पे हिस्टामिन बाइंड्स करता है, बाइंड करता है फॉर गिव देयर एक्शन। तो इस लाइन का मतलब है हमारे पास चार तरह के रिसेप्टर होते हैं जहाँ पे हिस्टामिन बाइंड करता है, किसके लिए? अपने एक्शन को देने के लिए। तो वो चार हमारे पास जो है, एच वन रिसेप्टर है, एच टू रिसेप्टर है, एच थ्री एंड एच फोर। ये हमारे पास चार तरह के रिसेप्टर हैं, H1, H2, H3 और H4, जहाँ पे हिस्टामिन हमारा बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। तो अब हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, ऑल दीज रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स विच their action according to GPCR। यह GPCR आपकी। तो इसका मतलब यह है जो हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारे GPCR हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, जो क्या करेंगे हिस्टामिन के साथ बाइंड करके जब अपना एक्शन देंगे तो वो किसके अगेन, किसके थ्रू देंगे? GPCR के। तो GPCR हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना H1 रिसेप्टर, थोड़ा सा हम रिसेप्टर्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो H1 रिसेप्टर हमारा होता क्या है, जो क्या करेगा, सबसे इजी विच स्टिमुलेट्स फॉस्फोलाइपेज सी। सबसे पहले H1 रिसेप्टर का काम है, जब वो बाइंड करेगा हमारा हिस्टामिन के साथ, स्टिमुलेट कर देगा फॉस्फोलाइपेज सी को, फॉस्फोलाइपेज सी को स्टिमुलेट करेगा, और इसकी लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी लोकेशन है स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एंड GI ट्रैक। तो ये इसकी लोकेशन है जो हमारा पाया जाता है, ज़्यादातर स्मूथ मसल्स में पाया जाता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, GI ट्रैक। स्मूथ मसल्स जो हमारी रेस्पिरेटरी और GI ट्रैक की होती हैं उसमें पाया जाता है ज़्यादातर, कौन सा? H1 रिसेप्टर। अब इसके बाद हमारा क्या आता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके अलावा भी ये और जगह भी पाया जाता है। एक है हमारा CNS न्यूरॉन्स और टी सेल्स, बी सेल्स और आपके न्यूट्रोफिल्स एक्सेट्रा।
तो इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पे आपका पाया जाता है कौन सा H1 रिसेप्टर। तो ये आपके आगे लोकेशंस। अब इसके बाद हमारा क्या आता है इफेक्ट, कि हमारा क्या इफेक्ट देता है H1 रिसेप्टर। तो H1 रिसेप्टर हमारा क्या इफेक्ट देगा, पहला पेन होता है इसमें, ठीक है, और जी हाइपोटेंशन में हेल्प करता है, और हेड एक, ठीक है, और आपका आएगा IgE प्रोडक्शन में हेल्प करता है। IgE आपको पता है, IgE एक एंटीबॉडी है, हाँ IgE एक तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। और लास्ट है हमारा ये क्या कॉज करता है, सीवियर एलर्जी रिस्पॉन्स। तो ये सब कुछ था H1 रिसेप्टर के बारे में, कि H1 रिसेप्टर हमारा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को। लोकेशन इसकी होती है स्मूथ मसल्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक और GI ट्रैक होती है, और आपका CNS न्यूरॉन्स में हो जाते हैं, और आपके टी सेल्स में पाया जाता है, बी सेल्स में और न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है। ये इफेक्ट क्या 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 इफेक्ट करता है, पेन आपको पेन होता है, हाइपोटेंशन, हेडेक, और आपका IgE प्रोडक्शन में हेल्प करता है, कहाँ पे IgE जो हमारी एंटीबॉडी है, और सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स कोर्स करता है। सो यहाँ पे हमारा हो जाता है H1 रिसेप्टर कम्प्लीट। सो अब हम आते हैं H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स एडिनाइल साइक्लेज एंड इंक्रीज CANP। ये क्या करेगा, हमारा एडिनाइल साइक्लेज जो कि एक एंजाइम है, इसको स्टिमुलेट करेगा और इंक्रीज कर देगा CAMP को, ठीक है। तो अब हम इसकी भी लोकेशन जान लेते हैं, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, गैस्ट्रिक पैरेटल सेल में, पहली लोकेशन होगी। दूसरी लोकेशन है हमारी वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, तीसरी हमारी होगी CNS एंड हार्ट एंड यूट्रस। तो ये हमारी तीन जगहों पर पाया जाता है, कहाँ पर, गैस्ट्रिक पैरेटल सेल में, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में, और CNS हार्ट और यूट्रस में। तो जब हमारा ये लोकेशन होने के बाद, अब इसके इफेक्ट्स, इफेक्ट्स अब हम इसके पढ़ते हैं। ये इफेक्ट क्या करता है, एक तो करता है इंक्रीज इन गैस्ट्रिक HCl, मतलब HCl को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक एसिड मतलब एसिडिटी कोज करता है, और क्या करता है वेस्कुलर परमेबिलिटी, इसका मतलब है वैसोडाइलेशन, मतलब वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H2 रिसेप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अब हम अपने आते हैं H1, ठीक है, H3 रिसेप्टर। तो आप एक बार पहले इसको देख लीजिए, H1 और H2। H3 रिसेप्टर, तो H3 रिसेप्टर हमारा क्या है, H3 रिसेप्टर की हमारी लोकेशन होती है, ये कहाँ पे मिलते हैं, मेनली CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसकी लोकेशन हमें पता चल गई। अब हम इसका देखते हैं इफेक्ट, इफेक्ट क्या कॉज करता है, इफेक्ट हमारा है इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज, ये इनहिबिट करता है हिस्टामिन के रिलीज को। सो अब हमारा थर्ड भी हो गया, H3 रिसेप्टर हमारा इतना है, और हमारा H4 रिसेप्टर भी छोटा ही है, H4 रिसेप्टर,
तो एच फोर रिसेप्टर जो हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे पहले एच फोर रिसेप्टर हमारे कहाँ मिलते हैं, लोकेशन इनकी, लोकेशन है इनकी हीमोपोएटिक सेल्स, हीमोपोएटिक सेल्स। ये हीमोपोएटिक सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड में मिलते हैं और इफेक्ट्स होते हैं हमारे इनके मोडिवेट इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा चारों रिसेप्टर कंप्लीट होता है, एच वन एच टू एच थ्री और एच फोर। अब आप एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आते हैं अपने आगे क्लासिफिकेशन, जो कि हमारी मेन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, मेन जो हमारे हैं दो रिसेप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं, एच वन रिसेप्टर एंड एच टू रिसेप्टर। आपको ये दो मेन पढ़ने हैं, एच थ्री और एच फोर नहीं पढ़ने हैं, बट हाँ उनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एच वन और एच टू रिसेप्टर हमारे मेन। सो एच वन जो है हमारे एच वन रिसेप्टर या कह दो एंटागोनिस्ट, और एच टू एंटागोनिस्ट। सो अब हम पढ़ते हैं एच वन रिसेप्टर। एच वन रिसेप्टर हमारा फर्दर डिवाइड होगा टू जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। सो जब हमारा ये डिवाइड हो जाएगा दो जनरेशंस में, तो हमारे अंदर इसके अंदर कुछ ड्रग्स आएंगी जो हमारे आधी तो आएंगी फर्स्ट जनरेशन में और आधी आएंगी सेकंड जनरेशन में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपकी आती है डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। डाइफिन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप चाहे सिलेबस में देख लेना, स्टार बना हुआ है इसका। सेकंड ड्रग जो हमारी आती है वो है हमारी डायमंड हाइड्रिनेट। तो सेकंड ड्रग हमारी आ जाती है डायमंड हाइड्रिनेट, और थर्ड ड्रग हमारी आती है ट्राइबोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। ट्राइबोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड ये भी हमारी एक स्टार वाली ड्रग है जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी की है। सो नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है मैक्लिजीन, इससे अगली आती है हमारी बक्लिजीन, और एक और ड्रग हमारे हम लेंगे इसके अंदर प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारी तीन ड्रग्स होगी जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी की। ड्रग्स और भी हैं बट लेकिन अगर आप ये भी लिख के आओगे तो सफिशियंट है। अब हम आते हैं अभी सेकेंड जनरेशन पर। तो सेकंड जनरेशन में हमारी जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं, एस्टेमिजोल। पहली ड्रग जो हमारी कौन सी है, एस्टेमिजोल। दूसरी ड्रग है हमारी लोराटिडीन। लोराटिडीन के बाद आती है हमारी थर्ड ड्रग, आती है हमारी सिट्रिजीन, जिसका नाम आपने बहुत कुछ सुना ही होगा। और लास्ट हमारी इसमें फोर्थ ड्रग आती है कौन सी, लीवोसिट्रिजीन। तो ये दो जनरेशन में डिवाइड होने के बाद, वैसे इसकी एक थर्ड भी आती है बट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसके अंडर भी एक दो ड्रग आती हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक ही लिख देना आप, क्रोमेलिन सोडियम। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन और मास्ट सेल स्टेबलाइजर आता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है एच वन रिसेप्टर। एच फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपके आते हैं डायफिन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड और डायमिन हाइड्रिनेट ट्राइबोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड मैक्लिजीन बक्लिजीन एंड प्रोमिथाजीन। ड्रग्स और भी हैं बट आप इतनी सफिशियंट आपके लिए। एस्टेमिजोल आती है सेकेंड जनरेशन में, लोराटिडीन सिट्रिजीन एंड लीवोसिट्रिजीन, एंड लास्ट हमारा लास्ट स्टेबलाइजर में आते हैं क्रोमेलिन सोडियम। तो यहाँ पे हमारी एच वन एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर की ड्रग्स खत्म होती हैं। सो हम आते हैं एच टू एंटागोनिस्ट।
तो एच टू एंटागोनिस्ट में जो हमारी ड्रग्स आती हैं, पहले ये हमारा फर्दर ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, गैस्ट्रिन प्रोटोन पंप इनहिबिटर, और सेकंड जो हमारा डिवाइड होगा वो किस में होगा, गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर। सो अब हम देखते हैं पहले गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर की ड्रग्स जो इस क्लास के अंडर आएगी। सबसे पहली ड्रग आपकी आती है लैंसोप्राजोल, फिर आती है आपकी ओमीप्राजोल, फिर आपकी लास्ट आती है पेंटाप्राजोल। ड्रग्स और भी हैं बट लेकिन ये मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो इतनी ड्रग्स आपके लिए सफिशिएंट है स्कोर करने के लिए मार्क्स टू। तो अब हम आपके आगे आते हैं गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर। गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर में कौन कौन सी ड्रग आएगी, सबसे पहले आपकी आएगी सीमेटिडिन, फिर आएगी आपकी रैनिटिडिन, फिर आएगी आपकी लोराटिडिन। तो यहाँ पे आपका हो जाता है पूरी क्लासिफिकेशन। तो ये आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, इससे बहुत अच्छा आपको स्कोरिंग भी मार्क्स मिलेंगे और ये आपका एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए, दो मिनट आपके पास। सो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं सार पे। सार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जब हम ये सार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम ये पढ़ रहे हैं एंटा हिस्टामिन, तो हम इसके बारे में हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा किसका, हिस्टामिन का। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था हिस्टामिन का स्ट्रक्चर, तो उसी स्ट्रक्चर को हमें बनाना है यहाँ सिंपली। उसी स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे, यहाँ पे लेंगे एक्स, यहाँ पे ए आर, यहाँ पे भी ए आर, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे सी सी, और यहाँ पे लेंगे एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। तो ये हमारा है एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका हिस्टामिन का। तो हिस्टामिन का बेसिक स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाता हूँ, जो हमारा ये है ए आर और ए आर। आप सोच रहे होंगे इसका क्या काम, तो यहाँ पे ये डायराइल ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का यहाँ पे हमारा बनता है डायराइल। तो ये डायराइल ग्रुप बनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे एक्स क्या है, तो एक्स जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है, यहाँ पे आपका कुछ भी आ सकता है, जैसे आपका नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, समथिंग कुछ भी आ सकता है। और उसके बाद हमारा जो देख रहे हैं आप ये सी एंड सी, तो आपको लग रहा होगा कि ये इथाइलिन ब्रिज है, तो हाँ ये इथाइलिन ब्रिज ही है। इथाइलिन ब्रिज होने के बाद ये आपने देखा यहाँ पे एन एन से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे तो अमीन ग्रुप था, तो हाँ ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे अमीन ग्रुप है। और उसके बाद आपका यहाँ पे सारे में आ जाता है, तो ये आपका पूरा सार्वधक बेसिक स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो जाता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चरल सब्स्टिट्यूशन देखते हैं कि हमारे कौन कौन से अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पॉसिबल होते हैं स्ट्रक्चरल पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस आर। तो हमारे स्ट्रक्चरल जो पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है, जितने भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे कुछ भी चेंज करना उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उसमें जो भी हमारे पॉसिबल्स होंगे पॉसिबिलिटीज होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं।
तो सबसे पहले हमारे किस किस चीज में हम चेंज करेंगे, अराइल ग्रुप और आपका एक्स में आएगा, यहाँ पे एक्स में हम कुछ भी ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन समथिंग कुछ भी पुट कर सकते हैं, और हमारा एक आएगा इथाइलिन ब्रिज और एक आएगा हमारा यहाँ पे ये लास्ट कौन सा अमीन ग्रुप। तो जब हम इसमें चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि कहते हैं अराइल ग्रुप में हम सबसे पहले चेंज करके देखते हैं, तो इसमें एक दो पॉइंट्स हो जाएंगे जो हमारे पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस हैं। सबसे पहले अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे अराइल ग्रुप के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं अराइल ग्रुप। तो अराइल ग्रुप जो है आपने देखा ये है, तो अराइल ग्रुप स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन एट अराइल ग्रुप। तो अराइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, तो अराइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगी इसमें क्या होगा डाई अराइल सब्स्टिट्यूशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है लाइन का कि अगर हमारा डाई अराइल पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो क्या करेगा हमारी एक्टिविटी को एसेंशियल होगा हमारी एक्टिविटी के लिए, मतलब उसको इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, बोथ एल्काइल ग्रुप और वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इंक्रीज एक्टिविटी। इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि अगर हमारा एक एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर हम एक अराइल ग्रुप की जगह हम एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट कर दें तो हमारी क्या करेगा ये इंक्रीज कर देगा एक्टिविटी को। तो यहाँ पे हमारा डाई अराइल सब्स्टिट्यूशन हमारे दो पॉइंट्स में कंप्लीट होता है। सो अब हम अपना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं नेचर ऑफ एक्स या सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स। तो हम एक्स में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, एक्स में हमारा कौन कौन सा, पहले सबसे पहले हम देखते हैं इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय थ्री मेजर एलिमेंट्स। इसका मतलब यह है कि हमारा जो एक्स है वो तीन मेजर एलिमेंट्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कौन कौन से, एन ओ सी, सिंपल याद रखिए एन ओ सी, आपने यहाँ भी पढ़ा कि ओ सी एन एन ओ सी। तो हमारा ये तीन एलिमेंट्स के साथ हमारा सब्स्टिट्यूट करेगा, तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है इफ X replaced with N. Then आपने ये स्ट्रक्चर देखा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में हम रिप्लेस करेंगे AR, AR, X की जगह हमने N पुट कर दिया, ये आपको समझ में आएगा N। तो N पुट करने के बाद बाकी सब कुछ सेम, C एन या फिर भी आर या फिर भी आर, ये आपका बन गया। तो अब जब हमने इसमें एन प्लेस किया तो एन प्लेस करने से कुछ तो होगा, तो ये हमारा कोई ना कोई डेरिवेटिव बना, तो कौन सा बना है हमारा ये डेरिवेटिव, इथाइलिन डायअमीन डेरिवेटिव। तो ये वाला जब अगर हम X को N से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा बनेगा इथाइलिन डायअमीन डेरिवेटिव। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इफ X इज रिप्लेस्ड विद O, दैट मींस ऑक्सीजन, अगर हम X की जगह ऑक्सीजन पुट कर दें जिस जगह पे हमारा N, तो अब हमारा नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, AR, AR, यहाँ पे हम पुट करेंगे
आपका ओ, तो ओ बुक कर दिया, बाकी सब सेम है, एन आर और स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो अब हमारा ये भी कोई डेरिवेटिव बनेगा, जैसे वो बना इथाइलिन डेरिवेटिव, तो जब हमने ऑक्सीजन बेस करा तो जाहिर सी बात है इथाइलिन तो बनेगा नहीं, कोई और डेरिवेटिव बनेगा, तो कौन सा बनेगा, तो उसमें आएगा आपका अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव। तो जब हम अगर अब आपको दिख गया, अगर हम एक्स को रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन से तो हमारा बनेगा अमीनो एल्काइल ईथर डेरिवेटिव। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इफ लास्ट पॉइंट, इफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब एक्स को अगर हम सी से रिप्लेस करेंगे तो हमारा बनेगा ए आर सी, और उसके बाद आपका बनता है सी सी एन आर आर, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर, बस यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो गया। जाहिर सी बात है ये भी कोई ना कोई डेरिवेटिव बनेगा, तो ये कौन सा बनेगा, मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग। तो इसका नाम बनेगा मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग, क्योंकि यहाँ पे सी आर के एक दो तीन तीन सी हो गए तो मोनो अमीनो तो बनेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारा आपका सार था। तो अब आपके पास ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर हो गया सार में, तो हमें स्ट्रक्चरल पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन आपने देखा था, स्ट्रक्चरली हमने चार बने थे, अराइल कर लिया हमने, ठीक है, और हमने एक्स का नेचर पता कर लिया, तो हमारे दो हो चुके हैं। अब आप इन दो को नोट कर लीजिए, अगर नोट करना है तो आपके पास 2 मिनट है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन एट इथाइलिन चेन या ब्रिज कह लो। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन एट इथाइलिन चेन और ब्रिज। तो अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन होगा, इसमें हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द हिस्टामाइन्स हैव इथाइलिन ब्रिज, मतलब इसका मतलब ये है ब्रिज और चेन, इसका मतलब है कि मोस्टली हिस्टामाइन जितने भी हमारे होते हैं उनके अंदर इथाइलिन ब्रिज या इथाइलिन चेन प्रेजेंट होती ही है, विच इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है, जब मोस्ट ऑफ द हिस्टामाइन्स अगर इथाइलिन ब्रिज को कैरी करेगी इथाइलिन चेन को, तो वो एसेंशियल तो होगी एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, इफ ब्रांचिंग ऑफ दीज इथाइलिन चेन्स कैन डिक्रीज द एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, अब आप फर्स्ट पॉइंट को एक बार दोबारा देखें, मोस्ट ऑफ द हिस्टामाइन्स हैव इथाइलिन चेन, तो इथाइलिन चेन जब हमारे कैरी करेंगे हिस्टामाइन्स, जो क्या करेंगे हमारे एसेंशियल होंगे एक्टिविटी के लिए। अब हमें ये ध्यान करना है दूसरा पॉइंट, जब देखेंगे ब्रांचिंग ऑफ दिस इथाइलिन चेन, इसका मतलब क्या है, अगर हमारा इथाइलिन ब्रिज है चेन है वो हमारी ऐसी लीनियर होनी चाहिए, ना कि ऐसी ब्रांचिंग में कि ऊपर सी इधर इधर, तो ये ब्रांचिंग जो होगी ये रॉन्ग हो जाएगी और ये राइट हो जाएगी। तो हमारे ये जो होंगे एसेंशियल करेंगे एक्टिविटी को, ये क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे एक्टिविटी को। सो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ इथाइलिन चेन खत्म होता है। अब हमारा लास्ट सब्स्टिट्यूशन रह गया है एक, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन एट अमीनो ग्रुप। सो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं अमीनो ग्रुप। अब आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ए आर था, यहाँ पे भी ए आर था, यहाँ पे आपका था एक्स, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था
तो ये तो आपका डायराइल ग्रुप हो गया था, ये हमारा एक्स का नेचर हमें पता चल गया, ये आपका आ गया एथिलीन ग्रुप। सो ये है हमारा अमीनो ग्रुप जो हमें स्टडी करना है। तो अमीनो ग्रुप आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारी दो चेन है, टर्शरी अमीन है, 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जुड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 मतलब तीनों पर, मतलब एक टर्शरी अमीन है, दैट मीन्स टर्शरी अमीन ग्रुप is essential for activity. जब एक बंदे को तीन तीन का सपोर्ट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तीनों उसको कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए टर्शियरी अमीन जो है हमारा, ये वो हमारा टर्शियरी अमीन बन गया, तो वो हमारा इसेंशियल करेगा एक्टिविटी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टर्शियरी अमीन मेन पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग विच इंक्रीजेस द एक्टिविटी मल्टी। सो अब सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें इस पॉइंट को समझने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो हमारा है। मैं आपको दोबारा से यहाँ पर समझाता हूँ, दोबारा पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ए ए आर डैश, यहाँ पे आपका आ गया एक्स, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एन, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। मेन हमें फोकस करना है इस पे, बस ये है। तो जब हमारा देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा कि टर्शियरी अमीन जो है, 1 2 3 टर्शियरी अमीन जो है वो क्या है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटी को। अब हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा है टर्शियरी अमीन मे बी पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक, अगर जो टर्शियरी अमीन है यहाँ पर यहाँ से हटा के अगर हम कोई हेट्रोसाइक्लिक रिंग को लगा दें तो ये क्या करेगा हमारा, इसका पार्ट बन जाएगा। जब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट बनेगा, टर्शियरी अमीन मे बी अ पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग, अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग और अमीन दोनों अटैच हो जाए या एक दूसरे के पार्ट बन जाए तो ये क्या करेंगे, हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे इस बार मल्टी टाइम्स। अगर जब ये दोनों एक साथ पार्ट बन जाएंगे एक दूसरे का तो ये हमारी एक्टिविटी को इतना इंक्रीज करेंगे, बार बार मल्टी टाइम्स इंक्रीज करेंगे, यू विन की एक ही बार मल्टी टाइम्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सार कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम आपको ड्रग्स, अब हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़नी है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी पार्ट 2।